बस एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे वो डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कीजिए। डॉक्टर साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल, तो एसएससी मैंने कर लिए, काफी अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो बेस्ट डिबेटर भी हूँ। लेकिन सर रात को ये होता है मेरे साथ कि ना रात को ना अगर अनकॉन्शियस होती हूँ मैं, ऐसा होता है कि ना अगर मक्खी या मच्छर भी बैठ जाए ना तो साथ से कोई गुजर जाए ना तो मेरी नींद वो खुल जाती है, आँख खुल जाती है। सही। और मसला ये होता है कि फिर उसके बाद ना अगर मैं करवट भी बदलती हूँ ना तो तब भी मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा एक और मसला, कितनी टेंशन है आपको डॉक्टर बनने की? जी डॉक्टर बनने की कितनी टेंशन है? टेंशन तो आप सही बताना, कितना सर पे सवार है आपके कि हाय डॉक्टर ना बनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं आप इंशाल्लाह वो तो मैंने बनना ही है, वो बनना ही बनना ना। ठीक है, और क्या क्या एंग्जाइटीज पाली हुई हैं? और भी कोई फिक्र गम कोई जान को लाहक है? बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा कोई गम कोई टेंशन भी नहीं है। सही। अच्छा फ्रेंडली माहौल है, वालिद मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छा और क्या दूसरा मसला क्या बता रही थी आप? मैम मैं ये बता रही थी कि फिर उसके बाद ये होता है कि दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो जाती है बाज़ औक़ात, और थोड़ा सा बंदा थोड़ा सा कांपने लग जाता है जब कोई टेंशन या गुस्सा आने लगता है। मेरे साथ ये होता है और बात नहीं कर पाती। हालांकि मैं बहुत बेस्ट डिबेटर हूँ और मुझे काफी अच्छे प्राइज भी मिल चुके हैं मुझे, तो लेकिन आपसे अपनी एंगर मैनेजमेंट नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होना एक और चीज है, एंगर मैनेजमेंट होना एक और चीज है। अब तो डॉक्टर मुझे पता चल गया आप साथ में। यही वो जबरदस्त दिमाग है जिनको हिफाजत की जरूरत होती है। जितना वो कॉन्फिडेंट है कि वो मेडिकल कॉलेज में चली जाएंगी, तो इसका मतलब यह है कि उनके 950 या 925 नंबर आ चुके हैं प्री मेडिकल में, वो पास कर चुकी हैं, मेडिकल कॉलेज में जा चुकी हैं, एंट्री टेस्ट भी वो अपना पास करेंगी। तो ऐसे लोग जो आजकल मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं ये बहुत एक्स्ट्रा जहीन और मेहनती भी होते हैं, हार्ड वर्कर भी होते हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत ऊंचे आ रहे होते हैं। नींद के बारे में वो बता रही हैं कि उनकी इतनी कच्ची नींद है कि एक मक्खी मच्छर भी करीब से गुजर जाए तो उनकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे लोगों को अपनी नींद के लिए एक अजीबोगरीब ज़रूरत होती है कि उनको खामोशी की ज़रूरत नहीं होती, उनको थोड़े बहुत शोर की ज़रूरत होती है। वो खिड़कियाँ बंद करके पर्दे आगे ना करें, रात सोने से पहले पर्दों को पीछे करके खिड़की खोल दें अगर मौसम इजाज़त देता हो, या अगर सोने से पहले कुछ शोर मौजूद हो तो वो उसको हटाए ना। शोर में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस में सोने की आदत डालें, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल छोड़ दें, उससे भी दिल की धड़कन तेज़ होती है। और चाय कॉफ़ी पी के रात को खुसूसन शाम 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ये 5 बजे के बाद का ड्रिंक है ही नहीं, बिल्कुल सही, ये मॉर्निंग ड्रिंक है। और दिन में 1-2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। जितना आसानी से पढ़ा जाए उतना पढ़ना चाहिए। लेकिन वालदैन खुद पुश करते, कहते बेटा एक दफ़ा तुम मेडिकल कॉलेज में चले जाओ फिर देखना क्या होता है। जब मेडिकल कॉलेज में जाता है तो अनेटमी फिजियोलॉजी के टीचर आते हैं, डांट डपट करते हैं। एक कोई 8-9 किलो की किताब है ग्रेज एनाटमी, वो उठाए उठाए कमजोर लड़कियां फिर रही होती हैं। तो फिर वो वालदैन के पास जाके थोड़ा रोती हैं, या लड़के हो तो रोते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि बेटा एक दफा तुम ये पहले 2 साल मेडिकल कॉलेज के गुजार लो फिर देखो क्या होता है। जहाँ होता कुछ भी नहीं, फिर क्लिनिकल साइड पे आ जाते हैं जहाँ डांट डपट और भी तेज हो जाती है, बल्कि बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो वालदैन के पास जाके रोते हैं। तो वालदैन कहते हैं एक दफा तुम डॉक्टर बन जाओ फिर देखो क्या होता है। डॉक्टर बनने के बाद एक ऑनररी हाउस जॉब मिलता है। मैंने एक और भी मुझे इसमें जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस हुआ, ये जब भी कोई चीज़ हमने अपने आसाब के ऊपर तारी की है ना, भले वो कामयाबी का शौक जुनून हो, लगन हो, अगर वो लॉन्गर टाइम पीरियड पे हो तो फिर उससे हमें इस तरह के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अनकॉन्शियसली हम उस पे केयर का शिकार होते हैं। 17-18 साल की एजुकेशन हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ लाइफ एजुकेशन हासिल करना, लाइफ स्ट्रेटजी सीखना, मैं समझता हूँ कि एक वो मुआशरती अलूम एक सब्जेक्ट होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। मुताला पाकिस्तान हो गया अब वो। अच्छा उसका नाम मुताला पाकिस्तान, एक्चुअली वो मुताला इंसान होना चाहिए। जो 6ठी 7वीं जमात के बाद थोड़ी थोड़ी बातें, और फिर मैट्रिक या FSC में जाते जाते टीन एज में जब दाखिल हो तो कैसे जिंदगी का साथी चुनते हैं, अपने अंदर वो क्या खूबियाँ पैदा करते हैं। खुसूसन जो लड़की रोटी भी खुद कमा के नहीं खा सकती, रोटी के लिए भी जो परेशान है, तो उस लड़की का क्या मुस्तकबिल होगा, वो कैसे निगोशिएट करेगी लाइफ इवेंट्स को। और मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी इंसान की शान के खिलाफ है कि वो इस दुनिया में आए और कोई मार्का या कोई अच्छा काम ना करे, वो अपनी ज़िंदगी को ना बनाए। सबसे पहला मार्का है कि अपनी ज़िंदगी को बनाए, तहम्मुल हासिल करे, एंगर से बचे, स्ट्रेस से बचे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप साथ रहे। पीछे कोई